नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण को पहनाए 100 करोड़ के जेवरात, कड़ी सुरक्षा में बैंक से मंदिर पहुंचे गहने, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। ग्वालियर में गुरुवार को जन्माष्टमी के मौके पर शहर के फूलबाग चौराहे पर स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां राधा कृष्ण की मूर्ति को सिंधिया रियासत के समय बने 100 करोड़ की हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्नों से जड़े बेशकीमती गहनों से श्रृंगार किया गया। इन गहनों को कड़ी सुरक्षा के बीच बैंक के लॉकर से निकालकर मंदिर तक पहुंचाया गया था। इससे पहले राधा कृष्ण की मूर्ति का दूध, दही और जल से अभिषेक करने के उपरांत इन बेशकीमती गहनों को राधा कृष्ण को पहनाकर आरती उतारी गई। भगवान राधा कृष्ण की आरती करने के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। बता दें कि इन बेशकीमती गहनों को भगवान राधा कृष्ण को पहने हुए देखने के लिए मंदिर के बाहर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। मंदिर के पट खुलते ही मंदिर के बाहर खड़े श्रद्धालुओं मंदिर के अंदर पहुंचे और राधा कृष्ण के दर्शन किए। पूरे साल में एक दिन के लिए गोपाल मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। मंदिर की स्थापना 102 साल पहले हुई थी। गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनाने के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के 55 पन्ना जड़ित 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी जिस पर हीरे और मालिक लगे हुए हैं, सोने की नत, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन हैं। हर साल जन्माष्टमी पर इन जेवरातों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इस स्वरूप को देखने के लिए भक्त साल भर का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। इनमें विदेशी भक्त भी शामिल रहते हैं। नगर निगम करता है गहनों और मंदिर की देखरेख। भोपाल मंदिर में राधा कृष्ण पर चढ़ाए जाने वाले बेशकीमती व एंटीक गहनों का रखरखाव और उनको बैंक से निकालने का काम नगर निगम प्रशासन के जिम्मे रहता है। गोपाल मंदिर में विराजमान राधा कृष्ण के विशेष श्रृंगार के लिए बेशकीमती गहनों को बैंक लॉकर में रखा जाता है। नगर निगम ग्वालियर के पास इनको निकालने व रखने का अधिकार है। जन्माष्टमी से पहले एक समिति बनाई जाती है जो जन्माष्टमी की सुबह गहनों को बैंक लॉकर से निकालकर राधा कृष्ण का श्रृंगार करवाती है। गुरुवार सुबह नगर निगम की समिति द्वारा यह गहने बैंक लॉकर से निकालकर लाए जाएंगे। रात भर मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।